स्वामी है, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं और जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। या भूल सभी का पड़ रही है, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। ये महान तप करना भी काल प्रेरणा ही है, वेदों और गीता में नहीं है। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? ये प्रश्न है ब्रह्मा जी का श्री विष्णु अर्थात कृष्ण जी से। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु अर्थात कृष्ण जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं, दुर्गा हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे भी यह विशद हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, आखिर जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, निष्कर्ष दे दिया भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मेरा निरंतर ध्यान किया करता हूँ यानी उसी की पूजा करता हूँ, दुर्गा की। विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान प्रभु नहीं। अपुन आत्मा इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी जगत गुरु नहीं थे। इनको वेदों के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल परिचित नहीं थे। अब श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे आध्यात्मिक नॉलेज में, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जितना मुझे पता है, मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और दुर्गा क्या कह रही है, इसी देवी पुराण के सातवें स्कंद में 562 पृष्ठ पर देखिएगा। ये सातवां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहाँ से देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है।
जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परंपरा पे है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या कह रही है दुर्गा कि उस ब्रह्म की पूजा करो। अब ये बोल तो रही अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का की तरफ और नाम बता रही है ब्रह्म का। प्रणव यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम नाम जप ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, सीधी सी बात। आगे देखिए, अब दुर्गा कहती है मेरी पूजाएं भी नहीं करनी, सब बातें छोड़ दो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आ रहे हैं, यहां देखो इस आत्मा का, गीता दुर्गा कहती है सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी नहीं करनी। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, या परमात्मा लिखना चाहिए। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर से उस पार जो ब्रह्म है, ओम का जाप कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और यहाँ कमाल, वो कहाँ रहता है ब्रह्म? ओम नाम के जाप से तुम कहाँ जाओगे? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है ये ब्रह्म, और उसका ओम नाम है, उसकी जाप करोगे वो वहाँ ऊपर रहता है, उसको प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अपुण्य आत्माओं, आज हम शिक्षित हैं, शिक्षा का यदि कोई लाभ है, कोई गुण है, तो ये अनमोल गुण है कि हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। हम परमात्मा की परिभाषा को स्वयं समझेंगे और देखेंगे उनके इतिहास में, और फिर हम परमात्मा को पहचान लेंगे। श्री विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं जानता, मुझे पता नहीं। दुर्गा कह रही है कि ओम नाम जाप करो, ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी पूजा भी नहीं करनी। और दुर्गा ब्रह्म को फाइनल मान रही है। अब ब्रह्म क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता में ये ब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष कहो, इसे काल कहो, ये काल बोल रहा है। किस ब्रह्मांड का स्वामी? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। श्रीमद् भगवत गीता को ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रमाणित हो चुका है आपके समक्ष। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम यह केवल ओम एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम सो जो शरीर छोड़कर जाता है, सह याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली गति को वह श्रेष्ठ गति है।
ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको प्राप्त हो जाएगा। और गीता जी दहन मराठ के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ओम के जाप करने वाले ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनरावृत्ति में है, यानी वहां गए हुए भी प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी भी जन्म और मृत्यु दुर्गति जो की तो बनी रहेगी, भले ही उनका स्वर्ग समय अधिक हो सकता है। अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम सदा रहने वाला लोक जो कभी नाश में नहीं आता। और वहाँ गए हुए प्राणी कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त कर लेगा, उस परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता ने उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है 4 के श्लोक नंबर 34 में। पहले तो गीता ज्ञानदाता ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया है कि कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पांव घूमते हैं। ये सभी साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मानते हैं, पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जाए ये पापनाशक नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे। लेकिन जो भी जो साधना कर रहा है उसको अच्छी मानकर श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वह जो जो साधनाएं अभी मैंने 25 से लेकर 31 तक तुम्हें बताई, इस तरह की साधनाएं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मण मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी पापों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने अनर्थ कर रखा है, यहाँ ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, नहीं वेद की वाणी तो काल बोल ही रहा है। और वेद में लिखा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है, क्योंकि इसने ये चारों वेद जो परमात्मा ने दिए थे वो अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए हैं, इसमें स्वयं ये बीच में वक्ता भी बना है। ये कहता है कि उस परमात्मा के बारे में कोई संभवात माने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो जन्म नहीं लेता निराकार बताते हैं, उसके विषय में भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही वास्तविकता बताएंगे, परमात्मा साकार है व निराकार। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में यह भी स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि किसी ने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान कहलाता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। पुणात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी स्वयं परमेश्वर थे, वो संस्कृत भाषा से जानबूझकर अपरिचित सिद्ध किया करते थे ना, वो तो सब भाषाओं को जानते हैं, इसलिए उन्होंने उसको ये रात रखा था कि कहीं आने वाले समय में जो अब परमात्मा ने ये खोलना था भेद, ये अज्ञानी ये टांग ना अड़ा दें कि कबीर जी भी शिक्षित थे, इन्होंने वेदों को गीता को पढ़ लिया होगा, नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया करते थे, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान दास आज आपके समक्ष कर रहा है। तो ये अज्ञानी कहा करते थे वो तो अविद्वान है, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती और सारे समाज ने मान लिया था कि कबीर अविद्वान है। वेद कह रहे हैं ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं होती, एक अक्षर ज्ञान को सीख ले, जैसे किसी ना संस्कृत भाषा आती है वो इंग्लिश में अविद्वान है, वो पंजाबी में अविद्वान है, एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान और अविद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है, और वो परमेश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव यह है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया, वेदों ने भी
कि उस तत्व ज्ञान को तो कुछ